हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कनक। आज मैं मेयोनीज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मैक्रोनी को उबालेंगे। तो एक बर्तन में मैंने 2-2.5 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें हमने लगभग 200 ग्राम मैक्रोनी डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे मैक्रोनी आपस में चिपकेंगे नहीं और फिर इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर देंगे, चला देंगे। 7-8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएगा उबल करके, और इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। जब ये बिल्कुल इस तरह से ईजीली कट जाए तो ये मतलब बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें हम डाल देंगे नॉर्मल पानी। तो 1 कप नॉर्मल पानी डाल दिया है हमें। अब इसे हम छान लेंगे। तो एक छन्नी की सहायता से हम इसे मैक्रोनी को छान लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च, तो इसे बारीक कट करके डाला है। तो 2-3 लहसुन की कलियां हैं और 2 हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दिया है। आप हरी मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं। लहसुन थोड़े से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो 1 प्याज मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। प्याज को भी हम हल्का सा ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो 1 गाजर बारीक कट करके डाल दिया है और मीडियम साइज़ शिमला मिर्च और 1 टमाटर लिया है बारीक कट करके, इसे भी डाल दिया है हमने। और इसे इस तरह से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। सब्जियां आप अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। इसमें एक ग्रीन मटर भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं या फिर जो भी सब्जियां आप डालना चाहें। अब इसमें नमक डाल देंगे। तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाला है और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे चला देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 1 मिनट तक ढक कर के इसे हमने पका लिया है और ये देखिए सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो 1/2 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 3 बड़ी चम्मच वेज मेयोनीज। तो 3 बड़ी चम्मच यहाँ पे वेज मेयोनीज डाल देती हूँ मैं, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है तो आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनती है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल दिया है और इसे मिक्स करते हुए इसे 1 उबाल आने देंगे। इसे थोड़ी देर पका लें। ये देखिए 1 उबाल आ चुका है। अब हम इसमें उबले हुए मैक्रोनी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें। तो मेयोनीज मैक्रोनी बनकर के लगभग रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स करके गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल करके इसे मिक्स कर लें और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।